हे गाइस, आज हम पेटीएम स्कैम के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से आज ये पूछ रहे हैं कि सर, कि पेटीएम का शेयर जैसे गिरता जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मगर ना, मैं उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। आपको पता है, पेटीएम जो कंपनी के ऊपर जो अभी केस चल रहा है, आपको ये पता होगा कि 31 तारीख को, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, 31 जनवरी 2024 को आरबीआई का ऑर्डर आया था। एक उस ऑर्डर में यह कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक को, सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, आज कुछ गड़बड़ी समझ आएगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हम लोग 29 फरवरी के बाद बंद कर देंगे। 29 फरवरी 2024 के बाद बंद कर देंगे, शटडाउन कर देंगे। ये आरबीआई का ऑर्डर कब आया है? 31 जनवरी को। अच्छा, किसका ऑर्डर आया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर देंगे? क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि इन्होंने कंप्लायंसेस में वायलेशन करी है। कंप्लायंसेस में वायलेशन मतलब लॉ फॉलो नहीं करे ढंग से। अब मैं तुम्हें बताता हूं गड़बड़ी हुई क्या है, और मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में पेटीएम की गलती है भी नहीं और पेटीएम का शेयर गिर रहा है। अब उसका लॉजिक समझाऊंगा क्या है, सुनना पड़े ध्यान से, मजा आएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, इन्होंने क्या करा था कि आरबीआई के टाइम टू टाइम कंप्लायंसेज होते हैं, उसमें केवाईसी के भी कंप्लायंस होते हैं। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक बंदा जब अपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है, तो एक बंदे का एक बैंक में एक ही अकाउंट खुलता है, एक पैन नंबर से। मान लो अगर मेरे पास पैन नंबर है, तो मैं एक बैंक के अंदर एक ही अकाउंट खुलवा सकता हूं। हाँ, वो अगर मैं सेविंग करंट अलग अलग खुलवाना चाहूं, दो खुलवा लूं, मगर ऐसा नहीं कि मेरे नाम के 10 सेविंग खुल जाएंगे एक ही बैंक के अंदर, वो होता नहीं है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवा सकता हूं। मान लो एक सेविंग में कोटक में खुलवा लूं, एक सेविंग में एसबीआई में खुलवा लूं, ऐसे अलाउड है। सेम बैंक के अंदर मैं 10-20 अकाउंट खुलवा लूं, वो अलाउड नहीं होता। इसीलिए केवाईसी की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि लोग पैसा ना घुमाएं अलग अलग अकाउंटों से। पेटीएम के ऊपर, पेमेंट बैंक के ऊपर ये वायलेशन है कि इन्होंने आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा। और कुछ कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनके एक पैन के ऊपर 100-100 अकाउंट तो खुले हुए हैं, 100 अकाउंट एक ही पैन से लिंक्ड है, किसी किसी के 150 अकाउंट लिंक्ड है। और ये इन्होंने अब एक वायलेशन नहीं, ऐसी कई तरीके की वायलेशन करी है। इनके ऊपर अभी से पेनल्टी नहीं लगी, 2019 में भी लगी थी, 2021 में भी लगी थी। पहले इनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी, फिर इनके ऊपर 5.5 करोड़ की पेनल्टी लगी। जब इतनी पेनल्टी एक कंपनी के ऊपर लग जाती है, तो कंपनी को अक्कल आ जाती है। लेकिन इनके डायरेक्टर्स को अक्कल नहीं आई कि हम अपने कंप्लायंसेस को सुधार लें, कुछ कर लें। आखिरी में आरबीआई ने हार के बोला कि हम कंपनी को आपकी शटडाउन कर देंगे, पेटीएम बैंक को बंद कर देंगे, पेमेंट बैंक को 29 फरवरी। हो सकता है कि वो इमीडिएटली बंद कर देते। मेरे को लगता है कि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ उस कंपनी के अंदर, तो लोगों को टाइम दे दिया कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर लो। 29 फरवरी के बाद जिनका पैसा पड़ा हुआ है वो अपना विड्रॉ कर सकते, लेकिन नया पैसा उस बैंक अकाउंट में आएगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें समझने वाली चीज बताऊं, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एक अलग कंपनी है, और पेटीएम बंद नहीं हो रहा, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है। वायलेशन पेटीएम ने नहीं करी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने करी है। पेटीएम दूसरी कंपनी के अंडर आता है, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। पेटीएम कोई कंपनी नहीं है, पेटीएम तो एक ब्रांड का नाम है। जो कंपनी का नाम है वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसके अंदर पेटीएम काम करता है। तो जब आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो, वॉलेट इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब समझने वाली चीज पता है क्या, फ्रॉड करा है इस कंपनी ने, गड़बड़ी कहां हुई है, नॉन कंप्लायंसेस वायलेशन करी है इस कंपनी ने, इंपैक्ट पड़ गया इस कंपनी में। पता है क्यों? ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, ये तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, तो इसका शेयर प्राइस कैसे गिरेगा? लिस्टेड कौन सी कंपनी थी ये? लिस्टेड कौन सी कंपनी थी ये? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिनका पेटीएम मनी वॉलेट, पेटीएम वॉलेट वाला का, जिनका ये सब है, लिस्टेड ये कंपनी है। अच्छा, आरबीआई का ऑर्डर आने से पहले जनवरी के आसपास जो पेटीएम का शेयर चल रहा था वो 800 रुपए के आसपास का था। 31 तारीख को जब आरबीआई का ऑर्डर आया, उससे पहले यह शेयर 746 रुपए समथिंग का था। कल की डेट में अगर मैं देखूं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर अगर हम देखें, तो ये मैंने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने पेटीएम, इस कंपनी की डिटेल निकाल दी। अब जो एक क्लोज हुआ 447 पे हुआ। क्या हुआ कि पहले दिन जैसे ही आरबीआई का ऑर्डर आया, 20% शेयर डाउन हुआ, 20% डाउन हो गया, गिर गया। अगले दिन अगेन 20% गिर गया, उससे अगले दिन अगेन 10% गिर गया। तो गिरता चला गया।
So, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को पता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो लोग मेरे से लॉ पढ़ते हैं जानते हैं कंपनी एक अलग है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। साला देखने वाली चीज ये है कि फ्रॉड करा इस कंपनी ने, गड़बड़ी हुई इस कंपनी में, इंपैक्ट पड़ गया दूसरी कंपनी पे। पेटीएम में अभी कोई गड़बड़ी नहीं है, पेटीएम बंद नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मार्केट में ये र्यूमर फैला रहे हैं कि पेटीएम बंद हो रहा है, पेटीएम बंद नहीं हो रहा वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है। अच्छा, पेटीएम का एक और भी कंपनी है, पेटीएम मनी, वो भी एक कंपनी है। ये ब्रोकर का काम करते हैं, डीमैट अकाउंट खुलते हैं यहां पे, वो भी एक अलग कंपनी है, वो भी ओके है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड सिर्फ अभी इसी कंपनी में पकड़ा गया, किस कंपनी में, इसमें, और इसको बंद करने की धमकी दी गई। अब इसका एक ही रास्ता है, इसका इनको अगर अपने बैंक को बचाना है तो ये कंप्लाइंसिस ओके कर लें, आरबीआई से कोई इनकी अच्छी बातचीत हो जाए, तो मैं पता अच्छी बातचीत का मतलब क्या है, या तो वो हो जाए तो बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाता तो कोई बड़ी बैंक इनको टेक ओवर कर ले तो ही ये बच सकते हैं, वरना इनको बचना तो मुश्किल है। कोई दूसरा ही रास्ता निकला है तो निकला है। तो अल्टीमेटली अभी जब तुम सोचो कि मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सर आप पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में न्यूज और आने दो, हफ्ता भर देख लो, उसके बाद 29 तारीख से पहले पहले कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी का क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसके बाद इन्वेस्ट कर देना। क्योंकि एक्चुअल में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की है नहीं, ज्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड में नहीं है। हालांकि इस कंपनी का शेयर भी बबल में चल रहा है, बबल मतलब जितने इनके शेयर की औकात नहीं है उससे ज्यादा का इन्होंने बेचा है। ₹1 का शेयर की इनकी फेस वैल्यू है, इनके शेयर की फेस वैल्यू जो है वो ₹1 है, और जब ये लोग मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आए थे ना तो आई थिंक इन्होंने ₹2500 का शेयर बेचा था, आसपास का 2450 का बेचा था, आई थिंक 2450 का। तो अगर तुम समझो 2450 का बेचा था तो उसमें ₹1 का अगर फेस वैल्यू है तो इन्होंने ₹2499 का प्रीमियम चार्ज किया था उस टाइम पे जब ये लोग मार्केट में लेके आए थे, तो उस टाइम पे ही इनका शेयर ओवर प्राइस था। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे पेटीएम में इन्वेस्ट किया था उन लोगों तो वैसे भी डूबे थे, उन लोगों का तो वैसे भी बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि ये ओवर प्राइस शेयर था, इसमें इतना इनकी वर्थ नहीं थी। लेकिन कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर अभी इतना गिर गिर के अभी 400 के आसपास आ गया, अभी कितना चल रहा है 447। अच्छा, जो तुम्हारे को मैंने बताया पेटीएम पे भी, ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये बीएससी की साइड पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे मैंने निकाला है। अगर मैं पेटीएम लिमिटेड की बात करूं, पेटीएम पेमेंट बैंक, वो एक अलग कंपनी है, और ये देखो ये उसका सिन नंबर है, उसके आगे यू लिखा हुआ है, वो तो अनलिस्टेड कंपनी है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिस्टेड कंपनी है ही नहीं, जिसमें स्कैम हुआ है, जिसमें ये पूरा गड़बड़ी हुई है, वो लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। फ्रॉड हुआ इस कंपनी में, इंपैक्ट पड़ गया दूसरी कंपनी में, क्योंकि लोगों की नजरों में हेडलाइन में क्या हो गया, पेटीएम होने वाला है, पेटीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो लोगों ने पेटीएम में सारा ही पेटीएम को कवर कर लिया। और देखा जाए तो आपको पता है दोनों के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों कंपनियों में, तो ये तो एक इंपैक्ट है ही है। लेकिन डायरेक्टर प्रमोटर कॉमन होने से अगर मैं कंपनी लॉ के लीगल एंगल से बात करूं तो कंपनी सेम नहीं होती, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों कंपनियां अलग चीजें हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो इस कंपनी का इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पेटीएम ब्रांड वैल्यू थी, 197 कम्युनिकेशन का भी जो मेन था वो पेटीएम वॉलेट था, और इनका भी पेटीएम था, तो वो पेटीएम पेटीएम करते करते वो लोगों ने पेटीएम को ही उड़ा दिया, जबकि गलती सिर्फ एक इस कंपनी की थी, इंपैक्ट उसका पेटीएम वॉलेट वाली कंपनी पे भी पड़ गया, 197 पे पड़ गया। स्कैम 197 ने नहीं करा था, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड वाली ने करा था। तो अब बच्चा मेरे से पूछता है कि सर आई होप आपको पहले समझ आया होगा स्कैम हो क्या रहा है, केवाईसी के स्कैम थे, आरबीआई के लॉ फॉलो नहीं करे उसके स्कैम थे, पेनल्टीज पे करे उसको ओके करने के लिए बोला गया, क्योंकि इतने बड़े लोगों का बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट जुड़ा होता है तो उनके साथ नुकसान ना हो जाए। लेकिन किस कंपनी का इंपैक्ट किस पे पड़ गया मैंने वो भी बता दिया। तो ले देखिए, अब जो लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, नहीं तो नहीं, तो बेटा वैसे तो देखा जाए तो इस कंपनी में अभी तक तो कोई स्कैम है नहीं अब, लेकिन अब आरबीआई क्योंकि उनकी उस कंपनी को पकड़ रही है और दोनों कंपनियों में कॉमन डायरेक्टर प्रमोटर है तो हो सकता है ये भी लपेटे में आ जाए, हो सकता है इनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जाए, पता लगे कि ये भी पूरी प्रॉपर कंप्लाइंसेस में है या नहीं। तो उस एंगल से अगर देखो, अगर बाद में भी फंस गए तो तुम्हारा शेयर और गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी मत लगाओ, मैंने खुद भी नहीं लगाया, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अब इसके लिए कुछ क्लैरिटी आने दो कि उस कंपनी का कोई दूसरा बैंक टेक ओवर कर रहा है या कुछ कर रहा है, या एक्शन सिर्फ उसी कंपनी पे होगा इस पे नहीं होगा। अगर ये कंपनी छूट जाती है और ये बिल्कुल क्लीन चिट आ जाती है या उस कंपनी के सर्वाइवल का कुछ ग्रोथ हो जाती है, तो जिस दिन ऐसी कोई न्यूज आती है उस दिन इन्वेस्ट कर देना, कुछ तो कमा के देके जाएगा शेयर, वरना अभी मत लगाओ, बेटर नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। ठीक है जी, तो आई होप, और लगाना अपने रिस्क पे लगा लो, कुछ लोग बहुत बड़े प्लेयर बनते हैं तो लगा लो भाई, मेरे सजेशन से अभी नहीं लगाना है, जब मैं बताऊं तब लगाना, जो मैंने आपको बताया कि कब लगाना चाहिए कब नहीं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट भी फेल हो गया, क्योंकि नॉर्मल जनता नहीं समझती ना बट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, उनके लिए तो पेटीएम ने फ्रॉड कर दिया। मैं रोड पर नॉर्मल जा रहा होता ना, दोस्तों वगैरह से बात कर रहा होता तो बोलते पेटीएम बंद होने वाला है, पेटीएम ना बंद हो रहा है, ना पेटीएम वॉलेट बंद हो रहा है, ना पेटीएम मनी बंद हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक के अगेंस्ट एक्शन हुआ है, और सारे अलग अलग ब्रांड अलग अलग कंपनियों के अंडर है। पेटीएम मनी जो उनके डीमैट अकाउंट जहां पे खुलते हैं वो एक अलग कंपनी है, पेटीएम
जो नॉर्मल वॉलेट वाली कंपनी है वो एक अलग है, वो 197 कम्युनिकेशंस के अंदर आती है। पेटीएम पेमेंट बैंक अलग कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी 197 है उसका शेयर का प्राइस इंपैक्ट हो गया इस कंपनी के फ्रॉड के चक्कर में। ठीक है, चलो जी, आई होप स्कैम समझ आया होगा और किससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देख लो आज ये प्रैक्टिकली तुमने देखा। चलो, और मैं तुम्हारे को मिनिस्ट्री की साइड पे दिखा भी दिया, मिनिस्ट्री की साइड पे भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे भी। ऐसे ही कॉर्पोरेटेड अपडेट्स के लिए चैनल पे जुड़े रहे, जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।